मैं अरगोड़ा के हरमू बस्ती में हूँ। यहाँ 50 साल से अधिक वर्षों तक रहने वाले 12-13 गरीब परिवारों को 2011 में उनके घरों को बिना सूचना दिए तोड़ा गया। के बराला है और पूरा घर के तोड़ दिला, कुछ सामान के लिख ले हमके नहीं दिला, पूरा चौपड़ कर दे। दो गाड़ी आया रहा बुलडोजर, अचानक नोटिस आया सुबह में, शाम को फिर तोड़ दिया। फिर मैं दूसरा दिन से स्कूल नहीं जाने लगा, स्कूल भी छोड़ दिया। मैं अभी यहीं पर रहता हूँ, यही खोपड़ी में। सरकार तो पूछे भी नहीं है, लोग पूछो नहीं कि कहाँ रहा था कहाँ नहीं। बोली ला तो घर देबो, कहो कुछ करबे नहीं करा था, क्या करबे अभी। वह डांटा दे के चढ़ाई ले छगरे मन, क्या करबे अब। एक ठो बेटा एक ठो बेटी हो, कैसनो रही ला उसने। हम लोग चार भाई बहन है, मेरा माँ बाप गुजर जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। एक साल हो गया थी अगर मन से टूटा गया, तब से बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई वो सबका छूट गया, और बच्चे अभी वही क्या करते हैं, कोई पेपर बांटते हैं, कोई कुल्ली काम करते हैं इस तरह से। और माँ बाप भी अब निराश हो गए, हम लोग बाल बच्चों को कहाँ रखे। तो सरकार का चाहत है वो है कम से कम सर झुके के लिए, कम से कम छत चाहिए हमको ना। झारखंड की सरकार गरीबी नहीं गरीब हटाओ का काम कर रही है। सरकार इन गरीबों को बिना पुनर्वास किए बिना उनके घरों को तोड़ा गया, और आज एक साल होने को है उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई। मैं आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, रांची नगर निगम के CEO विनय कुमार चौबे जी को निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर दबाव बनाएं, ताकि परिवार का सर्वे कराकर उन्हें जल्द से जल्द घर दिए जाएं। मैं हूं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।